तो ब्लड प्रेशर आपका ना बढ़े, आपके अंदर किसी प्रकार की घबराहट ना हो, आपका मन विचलित ना हो और आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो कूट कूट कर भरा रहे। जब आप वहाँ पर साक्षात्कार के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार के व्यवधान की समस्या ना आए, किसी प्रकार की व्यवधान ना हो। इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जितने भी योगा का साक्षात्कार है ध्यान से सुने। प्रतिदिन हमें क्या करना है, प्रतिदिन हमें थोड़ा सा कपालभाति करना है। इससे क्या होगा, नई ऑक्सीजन का संचार होगा और आपके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। मैंने कई युवाओं के जो मॉक ड्रिल इंटरव्यू लिए हैं अभी साक्षात्कार में, उनके अंदर कुछ कमी पाई गई। तो जितने भी युवा हमारे साक्षात्कार में जुड़ रहे हैं भारतवर्ष से, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपनी भाषा शैली का स्पष्ट ध्यान रखें, मंत्रों का स्पष्ट और सही तरीके से शुद्ध उच्चारण करें, जिससे सामने वाला सुनला होगा। वो तभी तृप्त होगा जब आपकी भाषा शैली स्पष्ट होगी, पहला। दूसरा हमें क्या करना है कि अभी प्रतिदिन हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो भैया, कर्म कांड आपको पता है कि आता, तो कर्म कांड तो लगभग लगभग सभी के ठीक ठाक है, लेकिन रखना नहीं आता। अब कई बंदों का मेरे पास मैसेज आया, फोन भी आता, सर आपने जो मॉक ड्रिल इंटरव्यू लिया था उसमें हम भी थे। लेकिन कई बंदे बहुत अच्छा मॉक ड्रिल दे रहे थे, लेकिन हम उनका सुनकर बड़े अभिभूत हो गए, यानी कि हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे तो हम बोल ही नहीं पाते, तो हम क्या करें। तो कई प्रकार के प्रश्न है। देखो भैया, 4-5 दिन है आप लोगों के पास, अच्छे से अभ्यास करो, भाषा शैली का थोड़ा सा ध्यान रखो। इसके बाद आपकी जो जानकारी है कर्मकांडों की, वो आपको आती है, लेकिन रखना नहीं आती, समस्या ये है। तो हमको ध्यान रखना, जितना वो प्रश्न पूछें उतना ही प्रश्न हमको बताना, उससे आगे कुछ ज्यादा बताना नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो विषय बदल देना है, दूसरे थोड़ा विषय उससे संबंधित दूसरा विषय आप रख दें, लेकिन उत्तर को खाली ना जाने दें, कुछ ना कुछ वहाँ पर रखना है, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आजकल बहुत सारी सिविल की जानकारी लेकर रखना है, करंट अफेयर की जानकारी लेकर रखना है, इस पर थोड़ा फोकस करो। और देखो, सबसे अच्छी बात है, अब आ गया है वो समय जब आपकी परीक्षा का समय है, यानी कि अग्नि परीक्षा का समय है। तो अग्नि परीक्षा का जो समय है, तो उसमें थोड़ा सा मन को फ्रेश रखो, खाली रखो, मन को भरो मत, ज़्यादा मोबाइल मत देखो, ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है हम लोगों को। इसके बाद नेगेटिविटी में नहीं जाना है, नकारात्मक विचार नहीं रखना है कि पितृ ऐसा होगा था, वैसा होगा, इतने बंदे ले रहे हो। तो ये बाहर की जानकारी जो हमारे हृदय में जो घबराहट पैदा करती है, जो बेचैनी पैदा करती है, जिससे हमारा मानसिक जो स्तर है वो अवसाद की तरफ जाता है, ऐसी बातों पर हमें फोकस नहीं करना है। तो ये कुछ नियम मैं आपको बता रहा था। अब देखो, जब आप 2-3 तारीख को इन बंदों को, 3 तारीख को जिन बंदों का साक्षात्कार है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि 2 तारीख का पंचांग पढ़कर जाएं। अब कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पर ये भी आते हैं कि हम क्या पहन कर जाएं। तो भैया, आपकी इच्छा है कि आपको क्या पहनना है, मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। आप चाहो तो अपना नॉर्मल फॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हो, धोती कुर्ता भी पहन सकते हो, बढ़िया से यहाँ पे तौलिया भी डाल सकते हो, अपने सखा बांध के जा सकते हो। तो कई चीज़ें हैं इसमें, जाना आपकी जो ड्रेस कोड है उस पर ज़्यादा फोकस तो करना ही है, ठीक है, लेकिन आपके चेहरे की जो शालीनता है, आपके अंदर का जो ज्ञान है, वो चेहरे पर आपको झलकना बहुत, यानी कि आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के धर्म शिक्षक के साक्षात्कार के लिए। सबको पूरा किसी को नहीं आता है, इतना मैंने मॉक ड्रिल में पूछा उतना वो कभी नहीं पूछेंगे आप उससे, आपसे और ही सरल प्रश्न पूछेंगे। तो इसलिए कि जो भी बंदे अभी वंचित रह गए हैं, जो हमारे मॉक ड्रिल में साक्षात्कार में नहीं आए हैं, वो ऐसे वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस लिंक को एक्सेप्ट करें और जुड़ जाएं। सुबह 10 बजे हमारी मॉक ड्रिल की क्लास चलती है, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। 4 क्लास हो चुकी हैं और चारों क्लासों के जो फीडबैक आए वो बड़े ज़बरदस्त आए। बंदे हमें बाद में फ़ोन करते हैं कि सर आपका मॉक ड्रिल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हम अपने आप को उपस्थिति कैसे दर्ज कराएं, यानी कि हम ऐसे कैसे बन जाएं। तो हमारे कुछ बहुत ही अच्छे छात्र हैं, बहुत पक्के चेले हैं बुंदेलखंड अकेडमी के, जो हमसे जुड़े हुए हैं और वो अपना मॉक ड्रिल देते हैं, यानी कि उनमें कॉम्पिटिशन के हम देंगे ऐसा उनके अंदर कॉम्पिटिशन रहता है। तो ये आपके अंदर वास्तव में होना चाहिए, आपके अंदर एक प्रकार की कंपटीशन की भावना होना बहुत आवश्यक है, प्रतिस्पर्धा बहुत होना बहुत आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा से ही आपकी जो कमियां होंगी वो बाहर निकलती हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दोगुना होता है। तो प्रतिस्पर्धा रखिए कि 2-3 4 और हमारे मॉक ड्रिल होंगे 3 तारीख तक, 2 तारीख तक, तो आप लोग जुड़े रहिए। जय हिंद।